हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल की 90s में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सेंटेंस का दूसरा भाग। इसके पहले मैंने एक सेंटेंस का भाग डाला है जिसमें आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी का डिटेल से जानकारी दिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि सेंटेंस में जो होते हैं सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो उसमें इसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस। जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया गया है और इस वीडियो में भी आप लोगों को बताया जाएगा कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य की परिभाषा दिया गया है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो और उनका क्या हो, एक जो है स्पष्ट भाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। यानी अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट एंड क्लियर सेंस, यानी कि जो कि कंप्लीट एंड क्लियर सेंस देता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया आगे कि राम इज़ माय ब्रदर, यानी राम मेरा भाई है। तो इससे जो है सेंटेंस जो है पूरा पूरा क्लियर हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस में हम लोग को रिमेम्बर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो क्या है कि सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल अक्षर यानी कैपिटल लेटर से होना चाहिए। जो फर्स्ट लेटर हम लोग लिखते हैं सेंटेंस का कोई भी, उसको हमको कैपिटल लेटर यानी बड़े वाले वर्ड्स में लिखना है। दूसरा नंबर क्या है कि सेंटेंस में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वे सही अर्थ देते हैं। यानी सेंटेंस जो होते हैं, जैसे कि सेंटेंस दिया गया है, इसमें क्या है निश्चित क्रम दिया गया है कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसमें एक निश्चित क्रम दिया गया है तभी ये एक क्लियर हमको अर्थ दे पाएगा। जैसे कि लिखा है कि राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। अगर इसको उल्टा कर देते हैं माई राम इज ब्रदर, तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है और आंसर जो है गड़बड़ हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के प्रकार। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया है, तो यहाँ पर केवल नाम बताया ही जाएगा। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस माने होता साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस माने होता प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस माने होता आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने होता विस्मयादिबोधक वाक्य। और ऑपरेटिव सेंटेंस माने होता इच्छा सूचक वाक्य। इन सभी का जिक्र पिछली वीडियो में किया गया है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है कृपया पिछली वीडियो को जाकर के देख लें, वहाँ पर सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आगे हम लोग चलते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो इसमें बताया जाएगा आप लोगों को सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट में एक हो गया हमारा क्वालिफायर, एक हो गया मेन वर्ड। अब क्वालिफायर जो है तीन भाग में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव हो जाता है और एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड होता है। आगे है कि सब्जेक्ट के सभी प्रकार निम्नलिखित क्रम में होते हैं। जितने भी प्रकार होते हैं सब्जेक्ट के, वे एक निश्चित क्रम में होते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनर लिखा जाता है, फिर एडजेक्टिव लिखा जाता है, फिर मेन वर्ड लिखा जाता है और फिर एडजेक्टिव फ्रेज लिखा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। आगे चलते हैं, एक टेबल बताई गई है, ठीक है। तो टेबल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करके बताया गया है और क्वालिफायर में भी आप लोगों को बता दिया गया है कि क्वालिफायर कौन सा है और मेन वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है ए, ठीक है, यानी एक सेंटेंस लिखा हुआ था अ हॉर्स रन्स, ठीक है, अ हॉर्स रन्स। तो इसमें क्या है, जैसे ए जो है हमारा वो क्वालिफायर में आ गया और हॉर्स है मेन वर्ड, ठीक है। मेन वर्ड में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। आगे रन्स जो है हमारा वो प्रेडिकेट के अंदर चला गया, यानी कि वर्ब के बाद में जितनी भी होती हैं सब हमारा प्रेडिकेट यानी वर्ब को मिला करके और पिछली भी चीज़ों को मिला करके सब हमको प्रेडिकेट के अंदर रखना होता है। आगे दिया गया कि द फिश स्विम्स, तो द जो हो गया वो क्वालिफायर में आ गया और फिश जो है ना मेन वर्ड यानी कि नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर है और प्रेडिकेट हमारा स्विम्स हो गया, ठीक है। आगे क्या है कि डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे ए है, एन है, आल, अनदर, एनी, बोथ, सर्टेन, ईच, इनफ, मोस्ट, मच, नेक्स्ट, नो, सेवरल, सम, दैट, दिस, दोस, दिस, इट इसी, अरे जितने भी हमारे ये सब आते हैं ये सब हमारे
डिटरमिनर्स होते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल की 90s को सब्सक्राइब करिएगा। इससे आगे का वीडियो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट में आप लोग को बताया जाएगा इससे भी और अधिक जो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आगे हमारा डिवाइड हो जाएगा सब्जेक्ट, जो हमारा डिटरमिनेंट एडजेक्टिव और मेन वर्ड में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में हमारा हो जाएगा डिटरमिनर, एडजेक्टिव मेन वर्ड हो जाएगा और एडजेक्टिव फ्रेज भी हमारा एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। यानी इस तरीके से आप लोग को आगे बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।